देखो एज एन ट्रेडर हमारे पास कैंडल स्टिक में काफी सारे पैटर्न्स हैं। वो पैटर्न्स में से 90-95% बहुत ही बुकिश पैटर्न है, जिसपे लगता तो है कि यार ये पैटर्न में लॉजिक है, बट लाइव मार्केट में जैसे कि हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं या कोई हम स्टॉक को ट्रेड करते हैं, तो कई बार वो पैटर्न में एक जजमेंट लेना डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और काफी सारी बार जो पैटर्न हम सीखते हैं और उसमें हम ट्रेड करने जाते हैं तो फेल भी होते हैं, उस तरीके से चीजें वर्क भी नहीं करती। तो अभी मैं आपको 2 मिनट में हम लोग लैपटॉप पे जाएंगे, मेरी एक पर्सनल मैं आपको एक कैंडल स्टिक की बहुत ही पावरफुल और प्रॉफिटेबल पैटर्न बताऊंगा जिसके साथ प्राइस एक्शन का भी लॉजिक है। मैंने शायद इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, जो अगर आप मेरी चैनल फॉलो कर रहे हो तो मैंने बताया था कि स्टैंड अलोन जो कैंडलस्टिक पैटर्न होती है ना, कि जो हम सीख के आ जाते हैं, वो कभी वर्क नहीं करती, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम क्या कर चल रहा है, सेंटिमेंट क्या चल रहा है, आगे पीछे का प्राइस एक्शन क्या है, वो बिना जाने हम ट्रेड करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते। तो आज मैं एक बहुत ही सिंपल बट येट बहुत ही पावरफुल और बहुत ही प्रॉफिटेबल एक पैटर्न बताने वाला हूँ जो प्राइस एक्शन पे डिपेंड है। कैंडलस्टिक के कुछ यूनिक पैटर्न मैंने ढूंढी है जिसपे मैं बहुत ट्रेड करता हूँ, काफी लोगों को मैंने बताया भी है। हम कुछ स्टॉक के एग्जांपल स्टडी करेंगे, बाकी आप थोड़ा एक रिसर्च कर लेना जस्ट टू डबल चेक कि मैं क्या कह रहा हूँ और किस तरीके से वर्क करता है। एंड आई सिंसियरली विश कि जितने भी एक अच्छे ट्रेडर है जो अच्छे इंटेंशन के साथ मार्केट में आते हैं, उनको जितना हो सके उतना ज्यादा प्रॉफिट इस पैटर्न की वजह से हो। सो लेट्स गो टू द लैपटॉप। देखो अब हम हमारी लैपटॉप स्क्रीन में आ गए हैं, मैं थोड़ा चार्ट पे चेंजेस कर लेता हूँ अपने, है ना। क्या करेंगे बताए, रिलायंस में कुछ ये सेम पैटर्न देखेंगे, वही पैटर्न को फिर से हम आईसीआईसी में अलग अलग डेट्स पे देखेंगे और एयरटेल पे। तो ये तीनों स्टॉक बहुत ही अलग इंडस्ट्री में से मैंने पिक किया हुआ है, ऐसा नहीं किया कि भाई सभी फार्मा सेक्टर बैंकिंग सेक्टर। सो यू यू शुड नो कि ये पैटर्न कितनी डाइवर्सिफाइड है और वो आती है अलग अलग स्टॉक में। और लेट्स से कि इफ यू आर ऑप्शन ट्रेडर, खास करके ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूँ, यू कैन यूज देम ऑन दो ऑन योर प्रीमियम चार्ट ऑल्सो, खास करके एटीएम और आईटीएम के प्रीमियम चार्ट में भी ये पैटर्न आपको मिल जाएगी और निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट में भी मिल जाएगी, राइट। बट फॉर द इजीनेस वी विल स्टडी द स्टॉक, ओके। सो सबसे पहले हम रिलायंस का स्टॉक ले लेते हैं। रिलायंस का स्टॉक मैंने लिया और उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, 15 मिनट के चार्ट में। और यहाँ पे मैंने एक ऑटो सिलेक्शन कर दिया। अब मैं पैटर्न किस तरह से देख रहा हूँ, इससे पहले प्राइस एक्शन समझ लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो जब मार्केट शुरू होता है ना, तो व्हाट आई वांट इज कि मार्केट थोड़ा वीक स्टार्ट हो, गैप डाउन स्टार्ट हो, या तो रेड कैंडल एक दो निकले, मतलब वो थोड़ा पॉज लेके मार्केट जा रहा हो। पर कहीं बीच में यहाँ पे लेट्स से कि 10-10:30 बजे मैक्सिमम उतने बजे तक यहाँ पे आई वॉन्ट टू कैंडल्स, दो ऐसी कैंडल चाहिए जिसका लो ऑलमोस्ट सेम हो, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फर्क है तो चल जाएगा। जहां पे ये पैटर्न मुझे दिखेगी वहां पे ये इंडिकेशन है कि मार्केट अभी अपसाइड जाने वाला है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, ऑप्शन के एटीएम और आईटीएम के चार्ट्स हो, अच्छे चार्ट्स हो, और या तो कुछ अच्छे स्टॉक हो। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक आ जाता है और कैंडल्स का भी लॉजिक आ जाता है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्यों वर्क करी और क्यों मैंने पिक किया हुआ है। रिलायंस में विल गो टू 25 सितंबर, 25 सितंबर एक अच्छा दिन है, जैसे कि ये वाला। So, यहाँ पे देखो मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ है, रेड कैंडल्स भी। आई नीड थोड़ा सा कंसोलिडेटेड टू वीक मार्केट मुझे चाहिए, ओपनिंग में एग्रेसिव मार्केट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले सेलर का कंट्रोल होगा। आप इसको अच्छी तरह से समझो, बेसिक चीजें लगती है पर बेसिक चीजें होती नहीं है, हम यही पे ही मार खा जाते हैं। हमें बेसिक चीजें सीखना अच्छा नहीं लगता, मैं एडवांस चीजें सिखाऊं। तो पहले मार्केट वीक था, सेलर के कंट्रोल में था, पर कहीं ना कहीं अर्ली मॉर्निंग में बायर्स आ गए, बोले कि नहीं कि वी विल डिफेंड दिस मार्केट, हम उसको ज्यादा नीचे नहीं जाने देना चाहते। तो अगर मुझे एक अपसाइड का ट्रेड लेना हो, अगर मैं स्टॉक में जाता हूं तो हम बोलते हैं कि लेट्स गो लॉन्ग, ऑप्शन में जाते हैं तो बोलते हैं कि लेट्स ट्रेड ऑन कॉल साइड, राइट। सो अगर मैं ऐसा एक ट्रेड लेना चाहता हूं तो मुझे ऐसी सिचुएशंस पसंद है कि जहां पे थोड़ी फाइट हुई, एग्रेसिव फाइट हुई, फाइट होके पल्ला एकदम चेंज हो गया, वेट एकदम चेंज हो गया, और I want to see कि बायर किस तरह से पावर ले रहे अपने हाथ में। तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि भाई जब दो कैंडल का लो ऑलमोस्ट सिमिलर हो, मतलब बायर बोल रहे इससे नीचे हम जाने नहीं देंगे, राइट। सो यू विल सी कि मार्केट वीक ओपन हुआ और ये दो कैंडल का मैं आपको लो दिखाता हूँ। ये लो है 2960 और यहाँ पे भी है 2960, 20-30 पैसों का फर्क है।
पर उसके बाद देखो कितनी बड़ी मूवमेंट आई। तो यहाँ पे आप देखो, एक तो प्राइस एक्शन का लॉजिक मैच हो रहा है, यहाँ पे हम सेलर टू बायर जो पावर शिफ्टर है उसको भी देख पा रहे हैं, और उसका हमारे पास प्रूफ है इन टर्म्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडल्स, राइट। अब ये चीज इंटरेस्टिंग बनती है, और यहाँ पे जब हमारा स्टॉप लगता है तो एक, मैंने बोला था ना, एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं 5000 का रिस्क ले सकता हूं तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दिया, यहाँ पे नहीं। सो इट हेल्प्स यू, ये इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव ट्रेड का सेटअप मिलना और ट्रेड करना, समझ गए। सो ये हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। नाउ वी विल क्विकली चेक द अदर डेट्स, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, हमारा टाइम स्पेन आजकल बहुत ही कम हो गया है, हमें लंबे वीडियो अच्छे नहीं लगते, फिर भी हमें प्रॉफिट कमाना होता है, तो ये सब होता है ना, वरना तो मैं हजारों एग्जाम्पल इंक्लूड कर देता, राइट। तो अभी हम जाएंगे 4 सितंबर था ना, ओके। देखो 4 सितंबर में भी क्या है, और इसमें आप थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे भी अपने रूल्स बेंड कर सकते हो। सी, इफ यू हैव अ प्राइस एक्शन जजमेंट ना, यू कैन चेंज लिटिल बिट रूल्स। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूं वही फॉलो करो, अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है ना, गेम समझ में आ रही है ना, तो चेंज करो। देखो यहां पे भी मार्केट वीक ओपन हुआ, देन माय फोकस इज ऑन दिस टू कैंडल, इसका लो कितना है तो 3007 और इसका लो 3006, ₹1 का फर्क है, एंड देन यू विल सी, राइट। सो एवरीथिंग इज इन योर फेवर, प्रोबेबिलिटी आप समझ पा रहे हो, मैं ऐसा मार्केट बोल रहा हूं। एंड देन 29 अगस्त, मतलब ये वाला, देखो यहाँ पे शुरुआत में ही बीट कैंडल आ गई, राइट। कई बार गैप डाउन ना हो तो मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, दूसरी रेड कैंडल आएगी, दीज आर ऑल वीकनेस, राइट। और हम दूसरी और तीसरी कैंडल यहाँ पे सजेस्ट करते हैं, 2988 और 2990, ₹1.5 का फर्क है, तो ऑलमोस्ट सेम है, इट्स ओके, देखा। सो नाउ लिटिल बिट योर जजमेंट कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरह से सेलर टू बायर पावर जा रहा है, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू कैन आइडेंटिफाई और यू कैन ट्रेड। अब यहां पे एक दूसरा बेनिफिट क्या हुआ, दूसरा बेनिफिट ये हुआ जो मैं हमेशा ट्रेडर्स को कहता हूं कि क्या करना है उससे अच्छा क्या नहीं करना है, यू शुड नो फ्रॉम द चार्ट। सब ऐसा सेटअप होता है ना, लेट्स से यू आर अनेबल टू टेक अ जजमेंट, बट यू नो वेरी वेल कि अभी मुझे आंख बंद करके पुट साइड नहीं जाना है, अभी आंख बंद करके मुझे शॉर्ट नहीं करना है, राइट। सो वो आप बच गए, अननेसेसरी लॉस में से बच गए, ट्रेड लिया नहीं लिया अलग बात है, चलो कई बार डिसीजन में पता नहीं चला, बट इट्स ओके। एंड देन वी विल गो ऑन 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त, ओके। 16 अगस्त में थोड़ा मैंने एक अलग एग्जाम्पल लिया हुआ है, राइट, बिकॉज थोड़ा आप रिसर्च करोगे ना तो अलग अलग एग्जाम्पल आएंगे। यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, फेल हुआ यहाँ पे, राइट। सो मैंने जो लॉजिक बताया उससे तो बिल्कुल अलग है, आप बोलोगे कि सर देखा आपने चेंज कर दिया, बट नो, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स। जो ये लॉजिक है ना, वो कई बार ऐसा बीच में आएगा कि पहले बायर के हाथ में था, पावर किसके हाथ में था, बायर के हाथ में, वो सेलर के हाथ में गया और अगेन बायर के हाथ में गया, और ये बहुत एग्रेसिव हो रहा है। देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसको फटाक से नीचे ला गया और बायर हाथ में आ गए, तो यहाँ पे हम जजमेंट कैसे ले सकते हैं। ये जो दो कैंडल है उसका लो देखो, इतनी बड़ी कैंडल का 2916, राइट। सो यू शुड नो, और फिर इसके दो कैंडल का हाई क्रॉस होता है, तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि इनिशियली मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मीन्स बायर्स वर देयर, वो मार्केट को ऊपर उसको नीचे ला गया, अगेन बायर्स आर ट्राइंग, सो दैट इज वेरी गुड कि ओरिजिनल पावर बायर के हाथ में था, फिर भी बायर के हाथ में ही आ रहा है पावर। ये थोड़ा अलग एग्जांपल क्यों दिया, लेट्स से कि आप थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, इफ यू वांट टू टेक दिस काइंड ऑफ जजमेंट यू कैन टेक इट, बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल डोंट डू इट, इट्स ओके, इट्स ओके। बट इंटरेस्टिंग था ना ये चीज, ओके। अब नाउ लेट्स गो टू आईसीआईसी में, आईसीआईसी बैंक में डेट हमारे पास है 13 सितंबर की, राइट। सो लेट्स यूज दिस वन, 13 सितंबर की डेट हमारे पास, ओके। 13 सितंबर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट वीक खुल रहा है, और यहाँ पे देखो ये सेटअप क्या बन रहा है, राइट। इनिशियली 1242 और 1242 ऑलमोस्ट 5-10 पैसों का फर्क है, और अपसाइड मूवमेंट आई, राइट। सो इट्स अ ग्रेट थिंग के ये डायनामिक्स कैसे वर्क करते हैं। 13 सितंबर के बाद आई 10 सितंबर, चलो 10 सितंबर में हम चले जाते हैं, थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा। देखो 10 सितंबर अगेन यूनिक थिंग है, यहाँ पे आप देखते रहना, मार्केट अच्छा खासा ऊपर खुला, यहीं से उसको प्राइस रिजेक्शन मिल गया, राइट। अगेन यहां से मार्केट ऊपर गया, राइट। सो अर्ली स्टेज में अगर इसका लो देखोगे
1228 और 1227 एक दो रुपए का फर्क रह गया और यहां से मार्केट अप आ गया, राइट। कम से कम ये पता चलेगा आपको कि पुट साइड नहीं जाना है, शॉर्ट साइड नहीं जाना है, ठीक है। सेकंड वाला देख लेते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड सितंबर, ओके, तो उसको थोड़ा सा ऑटो फिट कर देते हैं और सेकंड सितंबर में जाते हैं। ओके, सेकंड सितंबर देखो मार्केट ऊपर जाके गिरा, नीचे मतलब ओपनिंग में ही रेड रेड तीन कैंडल आ गई। नाउ यू विल सी इसका लो कितना है, 1223, इसका लो 1122, मतलब 50 पैसे का फर्क है। उसके बाद क्या हुआ, ये होता है ना, सी यू विल अंडरस्टैंड, दिस आर नॉट शॉर्टकट और मैजिक, यहाँ पे प्योर प्राइस एक्शन, सेलर टू बायर जो प्राइस एक्शन यहाँ पे हो रहा है, पावर एक्शन हो रहा है, वो भी हमें क्लियरली देखने को मिलता है, राइट। और हमारे पास है 23 अगस्त में हम जाएंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर खुला, थोड़ा सीधा उसको नीचे ला दिया, रेड कैंडल आ गई, और सेकंड और थर्ड कैंडल का लो देखो तुम, 1191, 525 पैसे का फर्क, मार्केट ऊपर ही गया, समझे। सो यू शुड नो लाइक दिस। अब जाते हैं भारतीय एयरटेल कहाँ गया, थोड़ा सा अलग स्टॉक भी मैंने लिया, ऐसा नहीं कि भाई एक ही इंडस्ट्री को हम पकड़े, अलग अलग स्टॉक में ये मिल जाती है पैटर्न। भारतीय एयरटेल में हम 17 सितंबर को ढूंढेंगे, 17 सितंबर, ठीक है ना। देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ पर उसको नीचे ले आ गया, दैट्स व्हाई टू रेड कैंडल। अब इसका लो देखो आप, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट दो कैंडल का लो देखोगे ना तो भी चलेगा, 1638.39 और तीसरी कैंडल 40, तो सेकंड थर्ड कैंडल में भी एक दो रुपए का फर्क है, सीधा यहां से ऊपर गया, राइट। सो दैट इज आल्सो देयर। अब 27 अगस्त को हम चले जाते हैं, इट्स हियर। देखो 27 अगस्त में बहुत बड़ी रेड कैंडल, जनरली बहुत बड़ी रेड कैंडल के बाद मार्केट कंसोलिडेट होता है या तो वो रिकवर होता है, ठीक है ना, जनरली 90-95% चांसेस में। तो यहाँ पे देखो ये कैंडल का लो है 1502, इसका क्या है 1502, और मार्केट क्या हुआ, रिकवर हुआ पूरा, राइट। सी बहुत इंटरेस्टिंग है, कम से कम हम गलत ट्रेड में नहीं फंसेंगे। और 23 अगस्त की हम बात कर लेते हैं, देखो 23 भी ये रहा, मार्केट थोड़ा गैप अप खुला पर उसको फिर से नीचे लाया गया, मींस बायर थे फिर सेलर आ गए, और नाउ बायर, ये हमने देखा था ना, फिर से पावर बायर के हाथ में चला गया, बायर बोले नहीं नहीं। सो ये फाइटिंग होती ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक हमारे पास एग्जांपल आया था ना अभी दूसरे में, कि थोड़ा गैप अप हुआ, गैप अप होता है तो बायर होते हैं, फिर इसको नीचे ले आ गया, यहां पे सेलर होते, फिर बायर ने यहां पे दो कैंडल का लो सेम करवाया और ऊपर चले गए, तो बायर इनिशियली फिर से बायर आक्रामक हो गए आगे। दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल पैटर्न, ये समझने में सिंपल है, प्राइस एक्शन का लॉजिक इसमें है, इसमें आप अंडरस्टैंड करके इसमें आप ट्रेड ले सकते हो, अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, और एक ओवरऑल जजमेंट लेके बहुत बढ़िया पैसा अपने घर में लेके जा सकते हो, राइट। तो अब मेरा सजेशन क्या है, मेरा सजेशन है कि कुछ स्टॉक पकड़ो, अगर आपको थोड़ा रिसर्च करना हो तो आप कर लो, यू विल लिटरली एंजॉय दिस वन। और स्टॉप लॉस देखो कैसे हिट होगा हमारा स्टॉप लॉस, है ना, आप देखना, जैसे कि आप कुछ स्टॉक लेके बैठे हुए हो, यू विल सी कि अगर आप टोटल ऐसे 100 ट्रेड फाइंड करोगे ना लास्ट 3-6 महीने में, यू विल सरप्राइज कि स्टॉप लॉस हिट होता ही नहीं है इसमें। सो यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंट, आप अच्छा प्रॉफिट बना के अपने घर ले जाओगे, राइट। और ज्यादा हम टेंशन भी नहीं लेंगे हमारी लाइफ में कि भाई हमें जजमेंट लेने में इश्यू हो रहा है। थोड़े थोड़े इसमें से ट्रेड लेना चालू करो, थोड़ा रिसर्च करने के बाद फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाना एक प्रोसेस के साथ। अनदर थिंग, कोई भी अगर डाउट हो कहीं पे भी स्टॉक मार्केट में, जेन्युइन गाइडेंस चाहिए, सो मेरे साथ आप व्हाट्सएप में लॉन्ग टर्म के लिए कनेक्ट रह सकते हो, मैं जितना हो सके उतना आपको गाइड करूंगा। सी यू सून इन मोर प्रैक्टिकल वीडियोस, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको टिप्स और शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, बट आप सीरियसली स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने फैमिली के लिए इनकम अर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। मैंने स्टार्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी वर्कशॉप और काफी सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये दोनों की थीम है मेंटरशिप, क्योंकि मैं मानता हूं कि स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए,
जो आपको सही राह दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके, तो आपकी काफ़ी सारी जर्नी ईजी भी हो जाएगी, बड़े बड़े खड्डों में से भी बच जाओगे, अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी करोगे और लाइफ में आगे भी बढ़ सकोगे। तो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है तो आप पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो। वो एप्लीकेशन में आपको बैंक निफ्टी वर्कशॉप मिल जाएगा, वो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको आगे जाके बैंक निफ्टी में महारत हासिल करनी है। दूसरा कि ऑप्शन बाइंग सिस्टम मिल जाएगी, इंट्राडे सिस्टम मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट सिस्टम मिल जाएगी और हेजिंग सिस्टम मिल जाएगी। ये सिस्टम्स में स्ट्रेटजीज के साथ साथ माइंडसेट पे कैसे वर्क करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये 360 डिग्री सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप थीम मैंने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को शॉर्टकट ना मिले। और साथ तो साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी क्वेरीज और डाउट के लिए कनेक्ट रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही राह मिले और सही तरीके से वो बंदा आगे आए। अगर आपका फोकस ये है तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है कि जिनमें पेशेंस है, जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है और वो खुद बिलीव करता है कि नहीं उसको स्टॉक मार्केट में मेंटर या कोच की ज़रूरत है। पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। सी यू सून।